उर्मी, मुंह बंद कर वरना। ए, धमकी किसको देता है रे? तेरी तो ये उर्मी, बंकस नहीं कर। क्या करेगा? मेरे को जेल में डालेगा, हम तो पहले से ही जेल में। अरे छोड़ ना बाबा। तो मैडम सर जिंदा है। काय बकते रे नपटी? अब क्या अखियों से गोली मारी खेलेगी मेरे साथ? मारने का है ना तो अपने वाले को फाइन मार। 7,500 का नुकसान हुआ है मेरा। कौन भरने का होगा तेरा आइटम? और नुकसान से नहीं डरती मैं। कल के दिन अखा दिन रेकड़ी चलाएगी और एक एक पैसा वसूल करके निकालेगी। देख लेना तुम लोग। ये मौसी, इससे ज्यादा आग पड़ेगी ना तो छोटे छोटे बच्चे तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। ए चटक चांदनी, लेडीजों की जरा लेडीज की मदद करना। नहीं करेगी ना? तू भी पुलिस वाली है तो मेला के कामाचा नहीं। अरे ये सब क्या है? अरे काय चालले काय इकडे? आला रे आला, वाघ मारे तू एवढा सॉलिड कसा रे? तुझा मिशीची शपथ, 2 मिनट लेट आते ना तो ये जो तेरे लिंबू टिंबू है ना, इनको कांधे में निचोड़ के वड़ा पाव में डाल के पार्सल करने वाली थी मैं। क्या बात है, जोरदार ताली। उर्मी नहीं, उर्मिला महादेव म्हात्रे, दामोदरवाड़ी प्लाट नंबर 48, गली नंबर 3, विठ्ठल वड़ा पाव सेंटर, आमची कुठे ही शाखाना है। ए उर्मिला, तुला जर वड़ापावचा धंदा करायचा असेल ना तो 50 साल से वड़ापाव का सेंटर इधर ही चल रहा है। मालूम पहले कौन करता था? आई शपथ में नहीं। मेरे अज्जा बोले तो मेरे पप्पा के पप्पा। पहले पप्पा के पप्पा करते थे, फिर पप्पा करते थे, अभी मैं संभालती है। इंस्पेक्टर शिंदे से लेकर पाटिल मैडम, सब ने मेरे साथ सेल्फी ले लाए। और मालूम क्या, कल एक मस्त छटांग लड़की आई थी, अपना इंटरव्यू लेके गई। तू था ना? आई शपथ में नहीं था। था मैं था। समाज में अपना इज्जत के साथ साथ वट भी है। एक फोन मारेगी ना मैं, तुम्हारा उधर बदली कर देंगे। किधर रे? गढ़चिरौली। हल्के में नहीं लेने का। और क्या साहब, 1000 रुपए हफ्ता देती है ना मैं तुमको, कम पड़ता है क्या? फिर से भेज देते अपने पंटर लोग को। ए साहब, मैं पहले ही बोली थी, हाँ संतुलन वाली पोरगी है मैं। फिर काय कोई हर बार आते राड़ा करने को? ए, ये काई बोलते ही? इधर देखो साहब, क्या है ना, मेरे को पूछेंगे कि वाघमारे साहब कितना हफ्ता लेते, मैं ताबड़तोड़ बोलेगी 1000। इसके लिए मेरे को जाने दो। काय के लिए खाली फोकट अपना सेटिंग खराब करते हो? जाने दो ना मेरे को, कितना टाइम वेस्ट हो गया है। मेरा फायदा तुम्हारी बाइक को पता चलेगा कि वो दूध वाली के साथ तुम्हारा लफड़ा चल रहा है तो वो रात भर तुमको बेंच पे सुलाएगी। सोने का है क्या? ब्लैकमेल करती मेरे को? अच्छा, ब्लैकमेल नहीं, अपने को खाली व्हाइटमेल पसंद है। ए साहब सुन, तुम मेरा आवड़ता इंस्पेक्टर है, छोड़ो ना, जाने दो ना मेरे को। तुम्हारा सारा राज में एकदम सेफ रखेगी, मुँह ताला बंद करके, पक्का नक्की। हे उर्मिला, तेरा बाप है ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इस लिहाज से मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, तेरे धमकी से नहीं, समझी ना। और अभी आगे मेरे को कुछ भी लफड़ा नहीं चाहिए। तेरे धंधा करने का है ना तो करना, लेकिन बीएमसी का परमिशन लेने का, प्रॉपर कागज बनाने का। आणि ही तुला आता शेवटची वॉर्निंग आहे, चल निकल अभी यहाँ से। और हाँ, ये सब टोली को लेके जा, चल। ओके, थैंक यू वेरी मच मेंशन बात। चलो रे, थैंक यू वेरी मच। चलो 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 टाइम भी खूब तगड़े से। थैंक यू। चल चल चला रे चला, अकेली गाड़ी नए भारी। मैडम सर कहाँ गई? ये मैडम सर नहीं है तो कौन है? पता नहीं कौन है, पर जो भी है बहुत गजब है। सर, ये रहा हमारा मुंबई आने का ऑफिशियल विजिट लेटर और लिखित तहरीर की अब से मीरा मशीन का केस आपके हवाले होता है। सर, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ। ये कौन थी ये लड़की? कौन लड़की? वही लड़की सर, जो आप सबको सुना के चली गई। नहीं, हमारे कहने का मतलब है जो यहाँ भौकाल मचा के चली गई ना। हाँ। क्या मचा के चली गई? भौकाल, वो हंगामा। हंगामा मचा रही थी ना सर पूरे यहाँ पे, वो जो हंगामा मचा के चलेगी वो लड़की कौन है सर? अच्छा वो लड़की जी, उर्मिला महादेव म्हात्रे पूरा नाम। ये नाके पर ही वो वड़ा पाव की गाड़ी चलाती है, अपना खानदानी काम करती है, वो बाप दादा से चला आ रहा है। महादेव म्हात्रे मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमेशा फुल टाइट रहता था वो, टाइम के पहले चला गया वो। हाँ ये लड़की जुबान की तीखी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, और वड़ा पाव क्या बनाती है, मस्त एकदम टेस्टी। इसके वड़ा पाव की टेस्ट की तो पूरे मुंबई पर चर्चा है। अगर हमको भी उसका वड़ा पाव खाना हो तो? हाँ, हाँ खाइए ना, जरूर खाइए। आप लोग है ना गांव जाने के बाद भी उसके वड़ा पाव का टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। अच्छा। यहाँ से वापस हम गांव क्यों जाएंगे, हम तो जाएंगे अपने शहर लखनऊ। हाँ हाँ आपके गांव मतलब अपना शहर ही जी। नहीं नहीं सर शहर सर, नहीं नहीं वो पुष्पा जी थोड़ा आराम से, वो कह रहे हैं कि वो जो अपना शहर है ना वो यहाँ पे गांव ही होगा। गांव कहने का मतलब है कि अपने घर जब जाएंगी, अपने गांव अपने घर जब जाएंगी तो भी टेस्ट नहीं भूलेंगे आप बड़ा पाव को, ये कहने का मतलब। अच्छा अच्छा वो तो वो ऐसे देखो ये समझ गई। अब मुद्दे पे रहे हम, वो लड़की सर वो विट्ठल वड़ा पाव ना कहाँ मिलेगा सर? बहुत मन कर रहा है हमें वड़ा पाव। आप यहाँ से सीधा चले जाइए, वहाँ पर एक बड़ा मॉल है चौराहे पे, वहाँ से लेप मारिए और सीधा जाएंगे तो सामने आपको वो विट्ठल वड़ा पाव दिखेगा। ठीक है सर धन्यवाद। क्या क्या नाम बताया आपने लड़की का? उर्मिला महादेव म्हात्रे, मैडम सर के हम शक्ल। चालबाज। आपको कैसे पता चालबाज है? नहीं वो श्रीदेवी की फिल्म है ना चालबाज, उसमें श्रीदेवी जी का ना डबल रोल, एकदम हम शक्ल। मैंने अब तक तो सोचा था ऐसे कि ये तो सारा सिर्फ पिक्चरों में होता है, असल में ऐसे हम शक्ल होते होंगे। कहा जाता है कि एक इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं। मेरे भी होंगे? हाँ होंगे। सातों की सातों चोर होंगे, सातों चोर होंगे, सातों को फांसी हो गया होगा, सातों मर गए होंगे। चुप ना यार, कितना बकलोली करता है। संतु जी काम कर रही हैं, करिश्मा मैडम उनको काम दी है कि उर्मिला मन तोड़कर उर्मिला महादेव म्हात्रे, उर्मिला महादेव म्हात्रे का डिटेल निकालना है। अरे उसमें कचर पचर लगा हुआ है, रुकना। मुझे तो लगता है ना पुष्पा जी को भ्रम हुआ है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना हेलो जनरेशन, वो हुआ है। क्या कहते हैं? वही हेलो जनरेशन। अरे पर पुष्पा जी के साथ तो करिश्मा मैडम भी थी ना, और एक साथ दो लोगों का इससे हेलो इमेजिनेशन हो सकता है। इमेजिनेशन? हाँ यही होता है हेलोसिनेशन। क्या आप लोग भ्रम बोलो, भ्रम। हाँ भ्रम 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 क्यों नहीं हो सकता भ्रम? मतलब मुझे भी होता है, ऐसे किसी औरत को देखता हूँ तो लगता है कि मैडम सर ही है, पर मैं जाकर पूछता हूँ औरत को आप मैडम सर, तो कहती कि नहीं आई एम नॉट मैडम सर, पर बाद में थप्पड़ मार देती है। ऐसा क्यों पता नहीं, ऐसे होता है चीते, ऐसे होता है। मतलब हम किसी को अपने मन के गहराई से मानते हैं ना, तो उनकी जाने की बात ये मन मानता ही नहीं है। मुझे लगता है पुष्पा जी और करिश्मा मैडम के साथ ऐसे हो रहा है हेलो जनरेशन। बिल्लू जी चीता ये देखिए। मैडम सर? नहीं नहीं बिल्लू जी, डेटा के हिसाब से उर्मिला महादेव म्हात्रे मैडम सर की हम शक्ल। खचाओ मतलब तुम जेरोक्स सेम टू सेम मैडम सर। हाँ ऊपर वाले ने भी टाइम बचाने के चक्कर में पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया है। इसका मतलब ये है कि बात एकदम 16 आना सच है कि मैडम सर की हमशक्ल है। इट्स नॉट अ हेलो जनरेशन। नहीं मगर एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, सुन रही है आप हमारी बात? सुन रहे हैं काका। वो लड़की सिर्फ मैडम सर की तरह दिखती है, मैडम सर तो नहीं है ना, तो फिर हम क्यों उससे ढूंढ रहे हैं? हमें क्या है उससे लेना देना? लेना देना है पुष्पा जी, उर्मिला का दिखना मैडम सर की तरह होना आपके लिए संजोग होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ये जानबूझ के हमें यहाँ भेजा है ताकि हम उससे मिले, उससे टकराए और हमें रास्ता मिले उन कातिलों तक पहुँचने का। आप समझ रही हैं? उर्मिला जो है वो हमें हमारी मुश्किल का हल नजर आ रहा है उसमें। चल क्या रहा है आपके दिमाग में? देखिए पुष्पा जी, हमने मैडम सर से ही सीखा है कि कीमत मौके के नहीं मौके का फायदा उठाने वाले की होती है, और ये हमारे लिए वो बहुत बड़ा मौका है जिसको हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। हम उर्मिला को मैडम सर यानी एसएचओ बना के लखनऊ लेकर जाएंगे। हाँ पुष्पा जी, इससे डीएसपी सर को सिर्फ तसल्ली नहीं बल्कि उन लोगों को यकीन हो जाएगा जिन्होंने मीरा को निशाना बना के मैडम सर को मारने का षड्यंत्र रचा है। यही वो एक तीर है जिससे हम कहीं निशाने लगाएंगे। समझिए हमारी बात को। पुष्पा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन मानेगा कि वो मैडम सर है? कहाँ हमारे मैडम सर शान लखनऊ की अदबो आदब वाली मीठी, और कहाँ ये मुंबई की हरी मिर्च मुंह खोलते ही पकड़ी जाएगी। आपने सोच कैसे लिया वो अपना सब कुछ छोड़ के हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी? आपने थाने में देखा नहीं, अपने एक वड़ा पाव के ठिये के लिए उसने पूरा थाना सर पे उठा के रखा था, तो ये सब छोड़ के वो आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है ना पुष्पा जी, हमें उसको लेकर जाना ही होगा और उसको हमारे साथ आना ही होगा। खत्म बात। चलिए। अरे मगर आप कहाँ लेकर आई हैं आप हमें? वो थाने में तो उस वो जो सर थे ना डंक मारे, उन्होंने डंक मारे नहीं, हाँ हाँ झक मारे, वाघ मारे पुष्पा जी, हाँ 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 वाघ मारे। उन्होंने बोला था कि किसी चौराहे पे है, तो आप ये कहाँ लेकर आई हमें? हाँ तो पूछ लेते हैं ना किसी से। अरे साजन के एक नंबर फूल, एक नंबर फूल, साजन के फूल सीधी नाक पे चढ़िए और फिर अपना काम बनाइए या फिर अपनी सजनी को दीजिए। भाई साहब सुनिए जरा। अरे नमस्कार नमस्कार मैडम, नमस्कार, जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। सही दिन पे आए हो, आज पुलिस वालों के लिए स्पेशल ऑफर है। बोलो कौन सा हार दे दूं आपको? बोलो। नहीं नहीं, हम यहाँ कुछ खरीदने नहीं आए हैं, हमें वो मैडम लीजिए स्पेशल ऑफर है, आपका काम बन जाएगा। पर हम लेने ही नहीं आए ना भाई साहब, हमें विट्ठल वड़ा पाव जाना है। वो उर्मिला म्हात्रे का है ना, तो हमें उर्मिला के पास जाना है। आप बताएंगे वो कहाँ है? उर्मिला, खुशबू मिलती फूलों में, बारिश मिलती आसमान में, मेरे उर्मी को ढूंढने वालों, उर्मी मिलेगी सिर्फ साजन के दिल के मकान में। हमाओ आशिक, हम विट्ठल वड़ा पाव सेंटर ढूंढ रहे हैं। 108 नंबर गली बोला था, यहाँ तो सारी गलियाँ एक जैसी लग रही हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे उर्मिला तक? ओ मम्मी है ना मैडम, अरे अपन लेके चलता ना उसके रेकड़ी पे। हाँ हाँ, इसी बहाने तुमको उसके दीदार हो जाएंगे, है ना? हमने तो पहली नजर में पहचान लिया, पक्के वाले आशिक हो तुम। तो मैडम अभी क्या बताऊं मैं आपको, मतलब ना ऐसे जान चले। हाँ चलिए ना, तो चलिए आइए ना मैडम। हाँ मैडम यहाँ से, मैडम यहाँ से फिर ऐसे लेफ्ट जाना है फिर मैडम। हाँ यहाँ से क्या मैडम तुम्हारा क्या है? पार्सल लेके खाएंगा इधर कौन? चलो 2 मिनट, गरम गरम बना रहा है वो, मस्त तुमको चकाचक बना कर देती है मैं पार्सल। जो भी खाना खाली विठ्ठल वड़ा पाव खाना, क्या ये लो द्या द्या। अरे सुट्टे पैसे द्या, सुट्टे नाही माझ्याकडे। और मी ए भाऊ सुट्टे पैसे द्या। भाऊ मत बोलो ना। नाही नाही भाऊ नाही, अजिबात भाऊ नाही। चल अभी चुपचाप वड़ा पाव खा और चलता बना, इधर फालतू आशिक बन के खड़ा रहने का नहीं। ठीक है? हाँ तुम्हाला कितना? एक ही वड़ा पाव ठीक है। हाँ तुमको उर्मी, अक्का मुंबई जानते अपन तेरे पे कितना लव करता है और सबके सामने आप उनका कचरा कर रहे लिए। कब तेरे दिल के मोबाइल पे अपने मोहब्बत का डिस्प्ले अपग्रेड होगा रे? मस्त तो बोला ना मैं। इससे बोलना तो सीख ले पहले, और वैसे भी अपने दिल का कैरेट बहुत पहले एक्सपायर हो चुका है, इसलिए सुन मेरे राजा, चुपचाप लाइन पे आ जा। मेरे को राजा बोली? बजाएगी तेरा बैंड बाजा, निकल से। और जाते जाते वो रद्दी वाले को हाक मार देना प्लीज। येणार येणार माझे पण दिवस येणार, इस साजन की सजनी बन के रहेगी तू। अरे विठ्ठला उचल रे बाबा, मला नाही, याला उचल पटकन। ऐसे बोलेगी तू? इसको कैसे बनाएंगे मैडम सर? इसे मिलाकर 4053 वड़ा पाव हुए जो तूने मेरे मुंह में ठूसे हैं, अपने दहेज के खाते में डाल देना। और सुन उर्मी, अपन खुद नहीं आए इधर, समझे ना? ये पुलिस वाले को मिलना था तुमसे, इसलिए लेके आया मैं इधर। चलता है अपन, लव यू। उड़ायला लागला, चल संभाल रे। क्या रे मौसी, इधर भी आ गए तुम लोग? तुम लोग इधर नए आए क्या? पहला हफ्ता है तुम्हारा, कुंकू लगाऊं अभी तुमको? अरे ये तो चटक चांदनी भी नवीन लग रही मेरे को। सुन मौसी, दिमाग की मत कर काशी, अभी लेडीज लोग के साथ में हफ्ता हफ्ता नहीं खेलने वाली है। एक को देती है हफ्ता, उतना ही परवड़ता है मेरे को। अरे सुनो सुनो, हमें पैसे नहीं चाहिए, मुफ्त का बड़ा पाव तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। हमें मुफ्त का बड़ा पाव भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या गेटवे ऑफ इंडिया जो टूरिस्ट बन के आया मेरे को देखने के लिए? नहीं तुम कुछ बात करना है आपसे, अकेले में टाइम नहीं है मेरे पास। जो भी काम है शाम को आरती के बाद, अभी धंधे के टाइम पे फुका टाइम वेस्ट करने का नहीं। चल हट रहे। हाँ तुमसे कहा है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें इसी के जरिए पता चलेगा कि मैडम सर की जान किसने ली। बात कर सकते हैं। रुको जरा, 2 मिनट तो धीरज रखो। ए विठला, आज जो जो मिस्टेक किया है उसके लिए माफ करने का, और अभी जो मिस्टेक करने वाली उसके लिए पहले माफ करने का। सुन रहे बाबा? ए किधर गया, किधर गया रे तू? अच्छे से सब अच्छे से पैक करना, मस्त साइड में चकाचक चादर वादर लगा के जाना, ठीक है? अब तो बात कर सकते है ना? नहीं, आज सोमवार है, सोमरस पीने का दिन है। देख मौसी, मैं ना एकदम संतुलन वाली पोरगी। अभी काम धंधा खत्म हो गया ना, अभी पार्टी चालू। चलती क्या मौसी? ऐसी आग फैलाएगी ना 2 मिनट में मौसी से सीधा मंगड़ा। चल। नहीं नहीं, ए दांत मातारी, अभी सुनो, काम का बात करने का है ना तो उधर ही छोड़ना। बोलो क्या करना? कि तुम लोग सच्ची मेरे पीछे इधर आओ। क्या रे मातारी, पसंद आई मैं तेरे को? सुन बनाएगी मुझे? ए सासूबाई, सासूबाई आलिमा जी, पाए लागू सासू, पाए लागू। अभी सच्ची सच्ची बताने का, क्या अच्छा लगा तुमको? मेरा स्टाइल अच्छा लगा कि मेरे गाल की खड़ी है? वैसे मेरा आइटम करता क्या रे मातारी? नाम पुष्पा सिंह, मातारी नहीं। मातारी मंजे बुढ़िया। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे, हमारे लल्ला की शादी हो चुकी है। लल्ला? बचपन में शादी किया था क्या उसका? तो हमारे लल्ला की शादी हो चुकी है, और ये जो तुम्हारे सामने बैठी है ना, ये है हमारी बहुरानी। इससे शादी हुई हमारे लल्ला की, जो उसके भाग खुल गए हमारे लल्ला के। और एक बार दोबारा अगर हमें तुमने बुढ़िया बोला ना, तो ये जो बोतल है ना तुम्हारे सर पर फोड़ देंगे, चेता रहे तुमको। देखो ऐसा है कि हम यहाँ पे ये तफरी करने तो आए नहीं हैं, हम तुमसे बहुत गंभीर बात करने आए हैं। काफी गंभीर विषय है, हम चाहेंगे कि तुम भी थोड़ा गंभीर हो जाओ और हमारी गंभीरता को समझो, समझी? नहीं नहीं, गंभीर नहीं। म्हात्रे, उर्मिला महादेव म्हात्रे। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, मैं खबरी का काम नहीं करती है, बहुत डेंजर है। अरे हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं यहाँ पे, तो करो ना बात, लेकिन थोड़ा इस्माइल के साथ चटक चांदी। इतना लोड काहे के लिए लेती है? कुछ बात करने आए। ए चे 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 चे, इतना गंदा स्माइल देगी तो मैं बात ही नहीं करेगी। मेरे से बात करने का है तो अभी सॉरी बोलना पड़ेगा। मेरे से बात करने का है तो अभी सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी? अच्छा, सॉरी का है? सॉरी 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 प्लीज, सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज उर्मिला जी, सॉरी प्लीज उर्मिला जी, तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। कर सकते हैं? नहीं। करो करो, बोलो बोलो। लवकर करा की। आईचा गावाश नहीं बात करेगी मैं। अरे सॉरी, सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज उर्मिला जी। हाँ कह रहे हैं, लय भारी है ये तो भाई। चे मौसी है बग, हाँ ये मीन तुम। ए मातरे, ए मातरे, ए बग, ए बग, ए बग, आए कि नहीं? मैं आए। क्या एक नंबर फोटो निकाला है रे? किधर निकाला है फोटो? अरे निकालने का था तो थोड़ा वो काला कोट में वकील के जैसा, नहीं तो वो ये छोटा छोटा स्कर्ट पहन के बॉल बैट खेलती वैसा निकालने का था। ये तो तुमने मोडिज खराब कर दिया। हट, ये तुम नहीं। अब क्या दादर में जाके किसी से भी पूछने का, यही बोलेगा कि ये वड़ा पाव वाली उर्मी है, और नहीं हुई ना तो मैं अपना नाम बदल डालेगी। ये हमारे थाने की SHO हसीना मैडम है हमारी। ये हसीना तो मैं क्या पसीना। ये हमारी मैडम सर है हसीना मलिक, जिनकी शक्ल तुमसे मिलती है। हाँ, और सिर्फ शक्ल ही मिलती है और कुछ नहीं। हैला मंजे जुड़वा, मेरे आई बाबा बचपन में बिछड़ गए थे, इतने साल में तनहा अकेली ही माजी मोटी ताई, क्या एक नंबर कहानी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तुम इसे संजोग कहो या कुदरत कहो, लेकिन हमारी हसीना मैडम की शक्ल तुमसे हुबहू मिलती है। छे मंजे गपले में गपला, मेरा थोबड़ा छपला। एक क्या चाहिए रे तुम लोग को, काय को खाली पीली मेरा टाइम और मेरी दारू वेस्ट करते हो। देखो मंजे, तुम लोग बोलते हो कि मैं तुम लोग के साथ ए हसीन दिलरुबा बन के लखवाओ मुंबई लखनऊ माँ लखनऊ तुमको आना है हमारे साथ। देखो तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम ही हो जो हमें उन तक पहुंचा सकती हो। हमारी बात को समझ रही हो? क्या सोचा तुमने, क्या जवाब है तुम्हारा? ठीक है, नहीं आएगी।